जब सेमेस्टर खत्म हो जाते हैं तो लास्ट मंथ की इन में आपको कहा जाता है कि अगले मंथ के 5-10 तारीख तक आपने पूरा फीस जो है वो जमा करना। तो इस तरीके से ये करते करते आपके 8 सेमेस्टर, फिर इसमें यह होता है कि साल के साथ साथ जिस तरह बजट बढ़ जाते हैं, टैक्सेस बढ़ जाते हैं, तो आपका वो जो सेमेस्टर फीस है ना वो भी बढ़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंस्टीट्यूट में 1.5 लाख पर सेमेस्टर पे पढ़ रहे हो तो अगले साल वो 1.5 लाख नहीं हो सकते, वो हो सकते 1,60,000 तक चीजें जो है वो बढ़ सकते हैं, फिर अगले साल 1,70,000 तक हो जा सकते हैं, फिर हो सकते हैं आप जब लास्ट ईयर में 4th ईयर में पहुंच जाते हैं और आपका ये फीस स्ट्रक्चर सेमेस्टर फीस स्ट्रक्चर है वो 2 लाख तक भी जो है हो सकते हैं पहुंच गए हो। तो ये चीज आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये चीजें जो है वो साथ साथ बढ़ सकती हैं। इसके बाद जी अगर हम बात करें कुछ साल के बाद, मतलब हर एक साल में आपको एक वो लग जाते हैं इंक्रीमेंट और प्रमोशन, कुछ फीसेस आपसे लिया जाता है, फिर कुछ एडमिशन के लिए भी आपसे कुछ डिमांड होते हैं, क्योंकि वो जब आपका एग्जाम होते हैं तो उस एग्जाम के लिए भी आपसे कुछ फीसेस लिया जाता है, तो वो फीस आपको पे करना होता है। ये सारे एक्सपेंसेस हैं। और फिर ये है कुछ प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, कुछ ट्रेवल करने होते हैं, तो ये सारे फीसेस, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल की फीस आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट अगर आप स्कूल दूर है, आप कॉलेज दूर है तो ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंसेस आ जाते हैं, खाने पीने का और ये सारी चीज़ें हो जाते हैं। अगर आप कोई इस तरह वेल ऑर्गेनाइज और अच्छे से इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, जाहिर सी बात है उस उनके अपने भी ट्रिप्स और ये सारी चीज़ें होते हैं, तो उनके खर्चे भी आप साथ में लाएं। तो उसके बाद फिर ये होता है कि उस इंस्टीट्यूट में, जो इंस्टीट्यूट में आप अच्छे से अगर काम कर रहे हो और उनके पास अपना कोई हॉस्पिटल है, तो फिर 4 साल के बाद वो लोग आपको इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। वो इंटर्नशिप जो अच्छे इंस्टीट्यूट है जिसका अपना कॉलेज है, तो वो आपको हाफ पे दिया जाता है। जिस तरीके से एक नॉर्मल रजिस्टर्ड नर्स का फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे अगर 70,000 है तो आपको वो 35,000 पे करेंगे, तो आपका जो है वो एक्सपेंसेस थोड़ा सा उस लास्ट ईयर जो इंटर्नशिप है उसमें कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जिस तरीके से स्ट्रीट्स में मुख्तलिफ किस्म की नर्सिंग इंस्टीट्यूट है और उसमें आप एडमिशन करते हैं, तो फिर उसमें होता यही है कि आपको अनपेड आपको खुद ढूंढना पड़ता है कि आप खुद जाके कहीं जो है वो इंटर्नशिप ढूंढे ताकि जो है वो आप अगले पे लाइसेंस के लिए जो है वो एप्लीकेबल हो जाए। तो यही है कि फिर आपने खुद जो है वो ढूंढना होता है कि किस तरीके से जो है मैं अपने लिए जो है वो एक इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढ। ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं। फिर कुछ डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट के भी खर्चे मिला के तो 5-10 हज़ार वो भी हो जाते हैं। तो आज के दौर में अगर कोई चाहे कि मैं बीएस नर्सिंग में एडमिशन ले लूं तो मेरा एक्सपेंसेस कितना आएगा, तो मैं उसके लिए यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप अच्छे से इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे, जिस तरह पाकिस्तान में 4-5 अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, अगर मिल जाए आपको तो आपका कम अज कम 25 लाख यानी 25 लाख का खर्चा आपके 4 साल इंटर्नशिप साथ मिला के 4 साल में आपका 25 लाख का खर्चा जो है वो आ जाता है। तो 25 लाख अगर आपके पास है, या आप इस 4-5 साल में जो है आपको पता है कि यहाँ से मुझे आ रहे हैं, तो फिर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जो है वो कर लें। अगर आपको कुछ जैसे स्ट्रीट्स में हमारे मुख्तलिफ नर्सिंग कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट है, तो उसमें अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें कम अज कम आपका खर्चा जो है वो 20 लाख, 15 लाख और 20 लाख के दरमियान जो है वो आएगा। आप कह सकते हैं कि 15 लाख, 18 लाख, 18-17 लाख तक जो है वो आपका पूरा खर्चा आएगा अगर आप 4 साल पढ़ रहे हो बीएस नर्सिंग। तो काफी खर्चा है क्योंकि 8 सेमेस्टर है, एक सेमेस्टर अभी 1.5 लाख से कम नहीं है, एडमिशन आपकी 3-4 लाख का है, तो कुल मिला के 10-12 लाख तो ये बन जाते हैं। फिर बीच में बहुत सारे जो है वो चार्जेस और चीजें लग जाती हैं,
तो कुल मिला के आपके 15 से 20 लाख के दरमियान अगर आप एक नॉर्मल नर्सिंग इंस्टीट्यूट में भी